बॉबी कटारिया, ये नाम आपने सोशल मीडिया पर खूब सुना होगा। ये एक यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तराखंड पुलिस के लिए ये नाम तब सुर्खियों में आया जब उत्तराखंड की सड़कों पर बैठकर बॉबी कटारिया नाम के इस युवक ने खूब जाम छलकाए। बाकायदा इसका वीडियो शूट किया गया और सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल हुआ। इस हरकत को लेकर कई लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और सोशल मीडिया पर ही बॉबी कटारिया को गिरफ्तार किए जाने और कानूनी कार्रवाई मांग की जाने लगी। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के चक्कर में बॉबी कटारिया ये कारनामे पहले भी कर चुके हैं। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बॉबी कटारिया ने जो पूरा प्रकरण था ये प्रायोजित था और ये महज इसीलिए किया गया ताकि उनकी आने वाली बायोग्राफी का बिना पैसा खर्च करे प्रचार प्रसार हो सके। यानी ये पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट था। एटीवी भारत की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक उत्तराखंड में रोजाना ना जाने कितने लोग शराब पीते हुए चालान कटवा देते हैं। रोजाना इस तरह की घटनाएं सामने आती, लेकिन बॉबी कटारिया ने जैसे ही राजधानी दून की एक सुनसान सड़क पर शराब पीकर फोटो सोशल मीडिया पर डाली तो हंगामा मच गया। यूट्यूबर बॉबी कटारिया शायद चाहता भी यही था, एक परिपक्व एक्टर की सोच के तहत उसने ये काम किया ताकि उसकी बनने वाली बायोग्राफी के लिए वो बिना पैसे खर्च किए प्रचार कर सके और आखिर में हुआ भी यही। बॉबी कटारिया के बीच सड़क जाम छलकाने वाले वीडियो के बाद उत्तराखंड के विधायकों से लेकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी बॉबी कटारिया पर बयानबाजी करते नजर आए, जिसका फायदा यूट्यूबर बॉबी कटारिया को मिला। ऐसा लग रहा था मानो बॉबी कटारिया ने जो प्रचार प्रसार या पब्लिसिटी स्टंट का जाल बिछाया था उसमें पुलिस और शासन के लोग फंसते नजर आए। इस घटना से पहले बॉबी कटारिया के जितने भी वीडियो आ रहे थे उसमें जो व्यूज थे उसकी संख्या अब 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। एक तरह से कहें तो बॉबी कटारिया ने इस कारनामे से बिना पैसे खर्च किए सारे काम कर दिए जो शायद वो अपनी वीडियो बनाकर नहीं कर पा रहा था। उधर दूसरी तरफ उत्तराखंड पुलिस ने बॉबी कटारिया को गिरफ्तार करने की लाख कोशिशें की, मगर पुलिस उसे छू तक नहीं पाए। उसके खिलाफ वारंट तक निकाला गया, इनाम तक घोषित किया गया, मगर इन सब का बॉबी कटारिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जहाँ था वहाँ चैन से घूमता रहा। इस बीच सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे और आखिरकार बॉबी कटारिया को लेकर उत्तराखंड पुलिस के एक्शन के गुब्बारे की हवा तब निकल गई जब बॉबी कटारिया देहरादून अपने वकीलों के साथ पहुंचा। उसने 25,000 रुपए के मुचलके पर आसानी से बेल हासिल कर ली। इस बात का जश्न भी उसने अपने ही अंदाज में मनाया। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। उसने बताने की कोशिश की कि जितना हल्ला मचा उसके बाद भी वो एक झटके में जमानत लेकर बाहर आ गया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस ने बॉबी कटारिया के ऊपर एक्शन किया या बॉबी कटारिया ने पुलिस को अपनी टीआरपी के लिए इस्तेमाल कर डाला। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।